अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है उम्मीद करता हूँ, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ और थैंक यू करता चलूँ कि लास्ट व्लॉग का बहुत मज़ा रहा। हमने लास्ट व्लॉग एक एक्सपेरिमेंटल व्लॉग किया था जिसमें हमने एक रिम इंस्टॉल किया था और उस रिम का नाम था CV3। तो बहुत पसंद आया, मुझे भी बड़ा पसंद आया, आपके कमेंट्स भी मुझे मिलते रहे और अच्छा रहा यार एक्सपेरिमेंट। आज का व्लॉग की तरफ चलते हुए आपको बताता चलूँ कि आज का व्लॉग बेसिकली एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बल्कि हम एक बड़ी प्यारी चीज़ देखने जा रहे हैं अपनी होंडा सिविक पे, डेवल XI पे। तो जिस गाड़ी में आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ अपने व्लॉग के अंदर, उस गाड़ी ने जनाब आजकल बड़ी धूम मचाई हुई है, लोग उसे प्यार से V8 कहते हैं। सो, इतना हिंट काफ़ी है, फिर और थोड़ा दे देता हूँ कि ना वो होंडा है और ना वो टोयोटा ब्रांड है, वो पाकिस्तान में एक तीसरा ब्रांड है जो बड़ा फेमस है मगर इस कार कम्युनिटी में उसका ज़्यादा नाम नहीं है, मगर उन्होंने उसको बहुत प्यारे अंदाज से बनाया। आइए उस तरफ चलते हैं। V8 बेसिकली सुजुकी बुलान का कह लें कि एक कार नेम है या निक नेम है, और इट वॉज V8 बेसिकली जुहेब फारूक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनका वो है। लास्ट टाइम मेरी मुलाकात जुहेब से राया में ही हुई थी और फिर हम लोगों ने प्लान किया यार ज़रा कुछ मसूफियत ख़त्म करके आपस में मिला जाए। तो अब चलते हैं ज़रा जुहेब से मिलते हैं, जुहेब वहाँ हमारा कार वॉश पे अपनी गाड़ी को वॉश करवा रहे हैं, फिर वहाँ मिलते हैं। गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले क्लीन करवाई है और बड़ी प्यारी माशाल्लाह लग रही है। और एक बात है यार, जब भी गाड़ी क्लीन होती है आपको एक मज़ा देती है, एक फील देती है जिसको आप कह लें कि आपको खुद भी पसंद आ रही होती है वो फील। सो सिचुएशन ऐसी है कि अब जुहेब से मेरी बात हुई है, जुहेब अब बिल्कुल रेडी हैं मगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने V8 को वॉश करवाना है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वॉशिंग सेंटर मिलते हैं, PSO या हमारे करीब है। जुहेब की तरफ जाने से पहले हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं अमान, उनका नाम है, उनको पिक करने के लिए मैं जा रहा हूँ, उनको पिक करते हैं उसके बाद फिर जुहेब की तरफ चलते हैं। सो गाइस, मुझे ये प्रोजेक्ट इसलिए जुहेब का ये पसंद आया है क्योंकि एक ये यूनिक काम है। आज से पहले जो हम बुलान जिसको कैरी डब्बा कह लें या जो भी कहते हैं, एनीवे जब भी आपने हायर रूफ बुलान कहीं देखा है तो उसकी मॉडिफिकेशन का लेवल लोगों ने डिफरेंट किया होता था। आज से पहले मैंने इसको सच बोलूं तो नॉर्दर्न एरिया में देखा है और नॉर्दर्न एरिया में लोगों ने, पठानों ने बड़े केयर से इसे रखा हुआ था मगर उनका एक डिफरेंट स्टाइल था। बड़े से टायर डाले होते थे उन्होंने और पीछे वो कुछ लटक रहे होते थे, कोई मंकी लटक रहे होते थे, कुछ स्टिकर्स लगाए होते थे। तो इसकी मॉडिफिकेशन हमने स्टार्टिंग से ही ऐसी देखी, तो मगर जुहेब ने इंटायरली डिफरेंट काम किया है और बड़ा उसे एक कह लें कि माफिया टाइप की लुक दी है। मैंने जब फर्स्ट लुक देखी मैं आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा यार ये लड़के ने क्या कर लिया, बड़ा उसने जनाब उसको प्रॉपर रैप आउट किया और उसके बाद उसने बड़े रिम ढूंढे और लो प्रोफाइल जिस तरह हम अपनी गाड़ियों में करते हैं उसने वो प्रोजेक्ट वो उस कह लें कि बुलान के ऊपर किया। कुछ बातें अपनी सिविक रिलेटेड भी कर लेते हैं, उसमें ये है कि एक ऑटो शो आ रहा है कुछ दिनों तक, आपने सबने सुना होगा HSE के नाम से, अब पता नहीं वो प्रॉपरली अनाउंस क्या उसकी डेट दोबारा हो रही है, रीशेड्यूल हो रही है, क्या हो रहा है। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए 2-3 सिविक के भी काम है, वो होने बहुत ज़रूरी हैं भाई क्योंकि सिविक का होना तो लाजमी है यार। सिविक का वो काम जो ड्यू है वो आपसे मैं शेयर करता चलूँ, उसका व्लॉग प्रॉपर अपलोड करेंगे। एक तो बहुत इन्हीं किस्म की कह लें कि इश्यूज चल रहे हैं गाड़ी के अंदर, माशाल्लाह नई गाड़ी है कोई इशू ऐसा तो नहीं आते मगर वो कुछ ऐसे हैं जो जिनको निग्लेक्ट किया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एक ये है कि ऑयल ड्यू हो गया और उसके बाद ये है कि छोटी सी मेंटेनेंस चाहिए इसको। तो बाकी है कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे अपडेट करूंगा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, कुछ नॉर्दर्न एरिया का प्लान करना चाह रहा हूँ सिविक के ऊपर टूवर्ड्स लाहौर टू हंसा। जनाब ये शख्सियत हमें फाइनली इंतजार के बाद मिल गए हैं, ये पार्क व्हील के वो वाले बंदे हैं जिन्होंने जनाब पार्क व्हील के बंदे उठा लिए। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बेहतरीन जनाब।
अमान साहब जनाब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और सोई उठ के वगिया ना तो मैं जनाब नु कॉल करना पे मेनू आईडिया हैगा थी भाईजान सुते होने ने तो सारी जी ज़ुएब वहां इंतजार कर रहा पीएसओ। मैंने कहा यार कोई जरा काफी देर हो गई है मीटअप नहीं हुआ, कहता आ जाओ जरा सीन वीन बना लेते हैं। आओ नाले की हाल तक नहीं ना देखिया अभी गेट साडा उस्ताद जी डिटेल देखी ही नहीं, मैंने पता ही नहीं लगिया कि मुंडे ने की गेम पाती माशाल्लाह। मगर यार मैंने पिक्चर्स में देखा बड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है। नहीं तुम चेक करया जी ठीक है चल रहे हो ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜ਼ੁਹੇਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸकी ਟਰਬੋ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਜਸਤਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡਾ ਡੱਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਡੱਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਪਾਈਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਜੀ ਵੈਗਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। कम ऑन मैन मुझे तो समझ नहीं आ रही, बोलान को स्टेट पाइप भी किया हुआ है और जी वैगन का एग्जॉस्ट सिस्टम है। जी वैगन का एग्जॉस्ट सिस्टम। अमान साहब पीएसओ तो आ गए हैं, किधर वॉश हो रहा डब्बा? मुफ्ता खड़ी है। ओहो वो डायरेक्ट ही चले जो वजो चोरी दे बीच वजो। ये आ गया डब्बा और ज़ुहेब फारूक हमारे साथ हैं। मजे में भाई, वालेकुम सलाम, जबरदस्त भाई। आप यहाँ वॉश करवा रहे हैं? हाँ वॉश हो गया, निकले बस निकले जी। भाईजान की स्पॉट लगे क्या बात, ट्रिपल रोड ही चल रहे लो जी। इन्हें ट्रिपल के अलावा ओके जी निकाल देंगे बाकी हर जगह दुनिया अपन तंग ही करेगी। आज चेक करवानी है? ओके डन ले जी। लोकेशन की तरफ अब अमान साहब रवा दो है। पीछे पढ़ो की लिखिया है। की लिखिया है? ओए होए PBX1 ए ते उस्ताद जी PBX1 86 मेरे ख्याल में लगे कुछ होंदा सी। आप अमान साहब हेल इंस्पायर्ड बाय सिद्धू मूसे वाला। ए देखो जनाब ब्लैक टन टन। ज़ुहेब रन का प्लान हो रहा है, चलो फिर आ जाओ। 1 2 3 जो लाइव चीज है ना वो बड़ी मजेदार है। आपको आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि इस टाइम जो लाइव व्यू चल रहा है। ज़ुहेब यार आए आए आए, ये रन आप जीत गए हैं। चले वही स्पॉट रखते हैं, निकले जी। ओके 1 2 3 स्टेट स्टेट पाइप तो उस्ताद जी मजा आएगा। अच्छा मजे की बात है कि टायर स्पिन भी मारता है। वाह जी वाह। बॉस V8 की राइड तो बनती है यार। स्टेट पाइप हुआ हुआ है अंदर बैठ के ज़ुहेब जरा डिफिकल्टी नहीं होती चलाने में? हाँ होती है, फिर आपको पता है प्रोजेक्ट गाड़ी है। हाँ मगर यार ये बड़ा जब आपने वहां से निकाला ना अचानक व्हील स्पिन की है प्रॉपर, बड़ा मजे का यार व्यू था। शायद कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ हो तो जैसे ही निकला प्रॉपर व्हील स्पिन हुआ, बड़ी वैसी फील आई। व्लॉग कवर करने से पहले हमने जो एक्टिविटी की वो आपने दिखाई, आपको दिखाई असल एक्टिविटी। अब स्टार्ट करते हैं। ज़ुहेब कुछ पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपने जबरदस्त किस्म का V8 तैयार किया है, बहुत खूबसूरत। आज से पहले जो मैंने V8 देखे थे वो मरी कभी जाया करते थे तो वहाँ देखते थे, वो एक डिफरेंट किस्म के लुक देते थे। और उन्होंने जनाब लंबी लंबी झांझरें लगाई होनी, कोई मॉन्की शोंकी पीछे लटकाया होना, तो बड़े बड़े अजीबो गरीब से टायर वायर लगाए होते, मगर ये आपने बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट काम कर दिया। ये बेसिकली प्लान ये था कि थोड़ा यूनिक करें और थोड़ा ना JDM लुक में जैपनीज ब्रांड्स में होती उस तरह का सीन था। बड़ा यार प्यारा लुक है। तो ये रैप ऊपर आपने किया? ये हाँ जी रैप हुआ ऊपर सारा।
ऑलराइट। और इसकी ये कोई ग्रिल आपने टोटल ब्लैक कर दी, ऐसी ही आती थी ग्रिल ब्लैक थी, इसको हमने स्प्रे पेंट किया और मैट में आती थी, ग्लॉस। और ये भी लोगो भी इसका ब्लैक कर दिया है, जबरदस्त। उसके बाद आपने ये बड़ी प्यारी ये इन लाइट्स लगाई है, कस्टम लाइट्स इंपोर्ट हुई है, प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, भाई लाइट के सिसके हैं। और उसके बाद जनाब ये बड़ा प्यारा इनको क्या बोलते हैं, ये एलईडी बार लाइट बॉडी किट्स इंस्टॉल है। और मैं जो सबसे ज्यादा हैरत में आया हूँ, जब गाड़ी का इन्होंने थ्रॉटल दिया, गाड़ी गई तो गाड़ी पूरी वेव कर रही थी। मैंने अमान से पूछा, मैंने कहा यार कोई कॉइल ओवर है, कहता है स्प्रिंग ही नहीं है, स्टैटिक। साइड पे आ जाएं हम, तो हम देखते हैं फ्रंट बॉडी किट है, साइड जनाब साहब बॉडी किट पैनल चल रहे हैं, बड़ी वीआईपी किस्म की लुक है यार। जुहेब ये क्या जबरदस्त काम किया, ये पगानी के लगे हुए हैं, बहुत अच्छे जनाब। पगानी वाले भी अगर ये देख ले तो मेरे ख्याल से हिल जाएं भाई। कार्बन फाइबर प्रॉपर हुई हुई है और बड़ा प्यारा ये साइड मिरर है इसका। और इस टाइम इन्होंने ये अलॉय व्हील्स डाले हुए हैं, और कह लें कि जो इसकी रेल प्रोफाइल आती है उससे डाउन प्रोफाइल टायर इन्होंने लगाए हुए हैं, और टोटल इन्होंने ब्लैक किया हुआ। इवन आप देखते हैं कि हर फिनिश आपको प्रॉपर ब्लैक नजर आती है। जुहेब आप को एस्टिमेट टाइम आपका इस सारे प्रोजेक्ट में कितना लग गया? यार अभी कंप्लीट नहीं, अभी हमने इससे बहुत ना काम कर रहे हैं, तो अभी इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में इसको ट्यून भी कर रहे हैं। अच्छा तो अभी बड़ा कुछ इसके हो रहा है, और साथ इंटीरियर में भी मॉड्स करने हैं इसके भी काफी। अच्छा, तो अभी ये है कि अभी इन प्रोसेस है, तो अभी तकरीबन इसको हो गया कोई महीना डेढ़ हो गया स्टार्ट किए प्रोजेक्ट को। जबरदस्त जबरदस्त। मैं ना लास्ट टाइम जुहेब से राया कंट्री क्लब मिला, मैंने देखा बहुत अट्रैक्टिव था, मगर जुहेब के पास उस टाइम जरा क्राउड था, तो मैंने कहा चलो जुहेब को बाद में पकड़ेंगे। तो उस टाइम जुहेब आपने मेरे ख्याल से कोई स्टेट पाइप का भी कुछ किया हुआ था, स्टेट पाइप हुआ उस साइड से आए जी आपको स्टेट पाइप मैंने जब देखा था। ओहो बस ये स्टेट पाइप का कह लें एग्जॉस्ट इन्होंने दिया हुआ स्पेशल, कोई पिछों कम नहीं जनाब, साइडों कम ओके चकाचक। और अमान जनाब पंप से जैसे ही निकले मेरी नजर पड़ी, मैं यार नंबर प्लेट क्या है भाईजन, कहते पढ़ो जरा की हिस्ट्री है भाईजन, इनकी हिस्ट्री है साढ़े यार भी हो सी BBX1 जबरदस्त। अगर सिद्धू मूसा अभी हयात और जिंदा होता और उसके पास डब्बा होता मेरे ख्याल से ये डब्बा नहीं यार कोई बड़ी गड्डियां सर। अच्छा ठीक है जनाब। सो गाइस जिसका आप लोग भी कह रहे थे, मेरा भी दिल था इस व्लॉग को कवर करने का। वंस अगेन थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच जुहेब, टाइम देने का, मुलाकात रहेगी नेक्स्ट में इंशाल्लाह। टेक केयर यार, अल्लाह हाफिज़।